गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और ज्योति का आज थायराइड टेस्ट है, तो मैंने यहाँ पर चेयर ऑलरेडी लगा रख दिया है और मैडम जी यहाँ घूम रही हैं, वॉक कर रही है। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम इतना जल्दी उठी हैं वो, क्या फर्स्ट टाइम और मैं भी फर्स्ट टाइम इतना जल्दी उठा हूँ क्योंकि देख रहे हो, मैंने मतलब खून देने के लिए मैं सुबह पहली बार उठे हैं तो ब्लड क्या? देना है उनको, इसीलिए इतना सुबह सुबह उठना पड़ा है छुट्टी के इसीलिए। दिन में इस टाइम पे हम लोग पहली बार और उठे आज हैं, मेरी छुट्टी है, छुट्टी मैंने ले रखी है इसीलिए, क्यों क्योंकि आज थायराइड टेस्ट है और फिर अम्मी का लाइसेंस का लाइसेंस का काम ट्रायल है, है बहुत ज़्यादा और काम, बहुत काम है। सब्जी बाजार पूरा हफ्ते का मैं और बहुत सोचा काम है। छुट्टी है तो आराम से सो के उठूंगा, लेकिन वो भी हुआ नहीं, क्या किस्मत है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अभी जो ब्लड लेने वाले भैया वो आते ही होंगे, तो जब वो आएंगे अगर ब्लॉग हुआ तो वहाँ पर भी मैं करूँगा, ठीक है। ऋषि मम्मा का खून लेंगे। तो कॉल आ गया है, भैया जो आने वाले हैं पैथोलॉजी वाला भैया खून लेने, और यहाँ पर बहुत मच्छर है बाहर। आओ तभी मेरे को सुबह सुबह खून लेना है खाली पेट। एक मिनट दादा, सो ही इज गोइंग। ऑलरेडी हमारा आज के बुक हो गया छे, तो तो यहाँ अभी भैया आ इसके चुके मोटर हैं आ गए नहीं फ्री होता ब्लड हूँ, लेने के लिए ज्योति का। मोटर आ गए फ्री हम मुश्किल हो जाते हैं। तो ब्लड कितना देने वाले हो? देखो नहीं वो भूल गया, आज लैबे आज में तो एक नहीं चला आसू सारा मुझे नहीं एकदम ब्लड देख रहे हैं। हाँ ताले डर लग रहा है। अच्छा अभी देखो उधर भर भर के ब्लड लिया तो जाएगा। तीन जगह से भाई ठीक है, একটা থাই রেখে আরাম সে আরাম সে, বস হো গিয়া, यही तो हो गया स्ट्रांग। मेरा कौन सी कर लेंगे हम? शुगर तो टेस्ट करा लेना, शुगर तो मेरे ठीक ही है, अभी टेस्ट करा लेना, क्या है खाली पेट देना पड़ता है, जरूरत नहीं है। खाली पेट देना टेस्ट हम जखन खुशी कर सब। ज्योति बहुत स्ट्रांग है, देखिए रोए भी नहीं ना ही चिल्लाई, हट, जरूरत नहीं है मेरा, शुगर तो टेस्ट नहीं लो, आप अपना दे दिए बस ठीक है। देखिए फिर सो गया ये। ऐ सोनू सुबह हो गया, उठो रे। मेरे को 1 घंटा सोने दो, तो हम भी सो जाते क्या? 1 घंटा अभी तो टाइम है, आप तो कितना आप भी सो बजे जाओ, जल्दी आओ। कितने बजे जाओगे सोनू? 10:30 बजे ना, 10:30 बजे भी 10:30 बजे जाएगा तो 9:30 तक उठने से ही होगा ना। हाँ सो जाते थोड़ा सा 1 घंटा, वैसे नींद टूट गया इतना जोर से उसने इंजेक्शन भूका। आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं फिर उठेंगे 9 बजे, तो मिलते हैं उठने के बाद। इडली ले रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट। एंड मिस्टर रणवीर अभी घर आए हैं लाइसेंस का ट्रायल देख के, कैसा गया आपका? बहुत ही कठिन, बहुत ही कठोर। सुबह 11 बजे से लाइन में लगे थे ना? हाँ। और अभी जाके कंप्लीट हुआ है। और राइस था लेकिन मुझे खाने का मन नहीं कर रहा राइस, तो राइस मैंने खाने का मन नहीं, ये मत बोलो, झूठ मत बोलो, ये साफ साफ बोलो कि आपको खाने का मन था नहीं, फिर भी हम लेके आ गए आपके लिए चिली चिकन। आपको खाना था खाली चिली चिकन? हाँ मेरे को चिली चिकन और राइस खाना था, हाँ, लेकिन रणवीर तो साथ में खाने का मन नहीं है, पराठा लेके आ गए। हाँ। तो राइस अभी हम लोग फिर रात में खा लेंगे, वो डाल दिया मैंने फ्रिज में, और अभी हम लोग खाएंगे चिली चिकन एंड पराठा क्योंकि काफी टाइम हो गया। हाँ। देखो प्रेग्नेंट औरत आपके लिए भूखी है, मेरा बच्चा भी तो भूखा है अंदर। हाँ तो क्या भूखा रखे, जल्दी खा ले। नहीं उसको भूखा नहीं देखे, हम थोड़ा बहुत खा लिए थे, ठीक है। चने खाए मैंने, आप भूखी हो, बेबी ठीक है। हाँ चने खिलाए मैंने उसे, फ्रूट्स खिलाए, लेकिन हाँ मेन मोटा मील कुछ नहीं किया, छोटे छोटे मील्स खाए। मोटा मील खाओ इधर आके। हमारा अभी फिलहाल छोटा मोटा लंच 4 बजे ऑलमोस्ट, पराठे एंड चिली चिकन। लंच हो गया तो बेचारी लूसी को भी खाना दे ही देते हैं। लूसी राइस खाएगी, लूसी तुम पराठा नहीं खा सकते, पराठा
पराठा हम लोग ने सपा चट कर लिया, तो मैंने रूसी के लिए राइस निकाल दिया इतना सारा। सुनो बारिश आएगा लगता है। तो हाय गाइस, इट्स 6:30 नाउ एंड हम लोग जा रहे हैं बाहर, और मैं काफ़ी दिन बाद बाहर जा रही हूँ क्योंकि और मौका नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट सनडे का छुट्टी है नहीं एंड थोड़ा मेरा घूमना हो जाएगा और हमें सब्जियाँ लेनी है और मिस्टर रणवीर मार्क्स भूल गए हैं। ये लगा लो, ब्लू ब्लू प्लीज आई इंसिस्ट। तो मिस्टर रणवीर को जूता खरीदना है, उसका जूता खराब हो गया बारिश में, तो जूता, सब्जियाँ, ग्रोसरी, एग्स फॉर होल वीक एंड थोड़ा मेरा घूमना। सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। तो चलिए बाजार में मिलते हैं। सब्जी है, हमें आगे जाना है सब्जी लेने। तो सब्जी बाजार पनीर और चिकन वगैरह कुछ नहीं लिया, पनीर लिया है, एग्स लिया है, सब्जियां ले ली सारी हफ्ते की, 2.5-3 किलो करके आलू प्याज ले लिया क्योंकि अभी बीच में फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो रणवीर का कंटिन्यू ड्यूटी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जूता देखने आराम से, अच्छा घर के सामने है इसलिए आ गए, सामान रख दिया फिर जा रहे हैं। और बहुत भीड़ है क्या? फिलहाल शॉप नंबर 1 देखे, कुछ पसंद आ गया तो देखते हैं। सुनो ये अच्छा लगा मुझे, ये मस्त है, अंकल टाइप का ना, ये वाला ट्राई करो। सो हमारा शू शॉपिंग हो गया, मैंने एक डॉक्टर वाला चप्पल लिया हॉस्पिटल में पहनने के लिए एंड रवि ने दो शूज लिए जो मैं घर में लेकर दिखाती हूँ। आप खाओ भी बोल बोलते चलो। अभी हम लोग आए हैं मैप लेने, पूछा खराब हो गया हम लोग का एंड वाटर बोतल। मिरर में देखो, अच्छा लग रहा है ना, रणवीर ने ये लिया है, एक्सक्यूज माय बेबी बंप, एक व्हाइट में लिया है, एक व्हाइट में, एक ब्लैक में, तो मुझे अच्छा लगा, मैं थोड़ा ट्रायल मार लेती हूँ थोड़ा। और फोन ऐसी जगह रखा है कि आप दिखोगे ही नहीं। हाँ दिख रहे हो, मैं इसी को टेबल ही खींच लेती हूँ सबसे अच्छा, ताकि हम अच्छे से दिख जाए। और जूता बेड पे कोई बात नहीं, नया है चलता है। सुनो सॉफ्ट है यार कितना। तो रणवीर जो जूता पहन रहा है 8 साल से, जो कि है उसका गोल्ड स्टार ब्राउन वाला, उसी का इसने वाइट वर्जन, उसको इतना पसंद है, उसी का वाइट वर्जन, उसी का ब्लैक वर्जन, और ब्लैक वर्जन रह गया जो ले नहीं पाया क्योंकि था ही नहीं उसके पास। ब्लू और मरून, मरून और ब्राउन वाला रणवीर के पास ऑलरेडी है जो वो घस रहा है। मरून इज अ ब्राउन, सॉरी हाँ, 4 कलर है इसके। सो गोल्ड स्टार व्हाइट, गोल्ड स्टार ब्लैक, और मैंने भी चप्पल लिया है, कौन सा वाला मैंने लिया, डॉक्टर वाला चप्पल, ऑर्थो, ऑर्थोरिस्ट नहीं, मैंने एक्चुअली ये हॉस्पिटल के लिए लिया है स्पेशली, और एक्चुअली अभी मेरे को थोड़ा पेन होता है चलते वक्त नीज, और उसमें मेनली प्रेगनेंसी और हॉस्पिटल यूज के लिए लिया है, तो ऑर्थो डॉक्टर ऑर्थो कुछ ऑर्थो वाला, बहुत सॉफ्ट है, पहने सुनो, पहने सॉफ्ट है बहुत अच्छा है, यही तो हम बता रहे थे आपको, ये घर में कहीं आप आराम से यूज करो ना, पैर तो आपको दुखेगा ही नहीं। एक होता है वो जो बूंदा बूंदा नहीं होता है डॉट बड़े, वो वाला नहीं, मेरे को ऐसे सॉफ्ट वाले चाहिए था, हेवी हेवी है, मस्त है ना, स्पंजी है, देखो पीछे देख रही है, मैंने हिसाब से बैठ जा रहा, डाउन हो जा रहा है। तो ये ऑर्थो वाला मैंने लिया है, सो 3 शूज, तो डॉक्टर ऑर्थो चप्पल फॉर हॉस्पिटल्स एंड घर के यूज के लिए हो गए 3 चप्पल। और हमने लिया है 2 पानी की बोतल, 1 लोफा, हैंडल टूट गया था इसका,
मतलब हाँ हैंडल से ये छूट गया था, तो मॉप का बस यही रणवीर ने लिया, हैंडल का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हैंडल से ये एंड गार्बेज बैग अच्छा लग रहा है, मैंने काफी कंफर्टेबल है, गोल्ड हाँ। स्टार बेस्ट है, सच में बेस्ट है, मेरे लिए तो बेस्ट है ना, सुनो अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है, सुनो हम बैठ जाते हैं। शूज का क्या खासियत है बोलो तो? क्या खासियत है? एक तो ये छोटा साइज है, हाँ ज्यादा बड़ा साइज नहीं है, ओवर साइज नहीं है, और छोटे में लुक देखिए कितना गॉर्जियस है ना सुनो, हाँ क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है, और थोड़ा सेक्सी लुक है इसका, है ना, एंकल भी है, एंकल लेंथ है, ओ मुझे पसंद है। मैं बड़े बड़े स्पोर्ट्स शूज ले रही थी लेकिन रणवीर बोला मेरे को यही कंफर्टेबल लगता है। 8 साल से गोल्ड स्टार एक ब्राउन कलर का है जो मैं उसे फेंक नहीं पा रहा हूँ आज ही पहन रहा है, 8 साल हो गए, 8 साल से कंटिन्यू कुछ नहीं हुआ है, बस जस्ट यहाँ फटा है और इसका ये खुल रहा है और कुछ नहीं, तो उसी सब ओके है, उसी ने गोल्ड स्टार ही ले लिया, दो अलग अलग कलर दो के। और एक खोज रहा था ब्लू वाला, मिला नहीं, ब्लू होता तो ब्लू भी ले लेते लेकिन था नहीं उसके पास, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे जो जूते हो गए, थैंक यू, क्या वेलकम, अभी मैं जाऊंगा बाल काटने, बाल काटने जाएगा। सो मिस्टर रणवीर अभी गए हैं बाल काटने एंड दाढ़ियां ट्रिम करवाने, और अभी मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगी, फिर आई नीड टू टैकल दिस मेस एंड देन दिस वन, तो ये सब करके मिलती हूँ। और खाना मुझे बनाना नहीं है क्योंकि हम लोग दोपहर में पराठा और चिली चिकन खा लिए थे, तो दोपहर का राइस रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, और अभी अंडे भी हम लोग लेके आए हैं, पनीर भी लेके आए हैं, तो वो सब बनाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंडा फ्राई करना है, पापड़ फ्राई करना है एंड सॉर्टेड फॉर द डिनर। तो रणवीर निकल गया, सो इट्स डिनर टाइम एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टायर्ड एंड मेरा बैक पेन हो रहा है, तो हम लोग आज खाएंगे राइस, रुको रुको फैन तो 2 मिनट बाद दो वरना सुनाई नहीं देगा, एंड सम पनीर एंड एग भुर्जी एंड दाल है, दाल का बाटी गर्म है तो वो मैं नहीं दिखा रही, एंड प्लेन आलू फ्राई, इससे ज़्यादा मेरे में एनर्जी नहीं था कुछ बनाने का, आ जाओ सोनू, चालू कर दें, हाँ आ जाओ, तो डिनर के बाद मिलती हूँ।